Hi guys, welcome back my channel Maha Khan vlog and welcome back my another vlog. Assalamu alaikum everyone, I hope you are doing well. सीन यहाँ ये है कि मैंने अपनी प्यारी प्यारी बहनों के साथ डिस्कस किया था कि ईद आने वाली है और ईद के लिए जैसे हर चीज़ की शॉपिंग हो रही होती है, वैसे लड़कियाँ मेकअप की भी शॉपिंग करती हैं और मैं उन लड़कियों में पाई जाती हूँ. मतलब मेरा शुमार उन्हीं लड़कियों में से होता है जो मेकअप के बगैर अधूरी हैं. मतलब इश्क है उनको मेकअप से. मतलब क्यों, मतलब मैं इतना मेकअप लगाती नहीं हूँ लेकिन मुझे फिर भी मेकअप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है. और ये मैं लेकर आई हूँ ब्लश एंड पैलेट. ओ माई गॉड, फिदा हो गई हूँ मैं इसके कलरों पे, फिदा. मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये कलर नहीं है लेकिन फिर भी मैं फिदा हो गई हूँ क्योंकि ये पूरी पैलेट है और इस तरह की पैलेट मेरे पास है लेकिन वो थोड़ी बड़ी है तो मुझे ये कन्वीनियंट लगा. बहुत छोटी सी पैलेट है, बहुत ज़बरदस्त है, आप इसे कहीं भी ट्रैवल में यूज़ कर सकते हैं और हम लड़कियों को तो हर वक्त बैग में ये चीज़ें चाहिए होती हैं. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं ना, छोटे छोटे पैलेट हों, तो मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं वो पैलेट. मतलब छोटी छोटी चीज़ों से मुराद छोटे पैलेट हैं. इसका मतलब ये नहीं कि मैं छोटी छोटी चीज़ों में खुश होने वाली बंदी हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है. ये मैं इसके साथ आपको दिखा रही हूँ कि क्या ज़बरदस्त पिंकी पिंकी से कलर है और थोड़ा सा डार्क पिंकिश भी है. तो बस ये हसीन और जमील पैलेट के ऊपर मैं बस दिल हार बैठी थी और मैंने कहा ये अगर मैंने ना लिया ना 2024 में तो बस 2024 ने तो गुजरना ही नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है गाइस, बस दिल आ जाता है. दिल का क्या कीजिए कि दिल तो बस इन्हीं चीज़ों के लिए बना है. मुझे ऐसा लगता है मेरा दिल, वैसे बाकी लोगों के दिल लोगों पर आ जाते हैं, मेरे चीज़ों पर आते हैं, लोगों पर बिल्कुल भी नहीं आते. मतलब मैं इतनी वैल्यू नहीं देती लोगों को. मजाक कर रही हूँ गाइस, सीरियस मत हो जाएगा. मतलब वैल्यू तो हर किसी को मैं देती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जितनी रिस्पेक्ट अगर लेना चाहे उतनी रिस्पेक्ट उसके ऊपर डिपेंड करती है क्योंकि मैं एक्स्ट्रा वैल्यू देने के ज़रा खिलाफ हूँ. इससे क्या होता है कि एक बाउंड्री सी आप अपने इर्द गिर्द रखते हैं और फिर लोग आपसे थोड़ा सा मतलब ये सोचते हैं कि भाई इस बाउंड्री को क्रॉस हम नहीं कर सकते क्योंकि इस बंदी ने पहले से ये बाउंड्री अपने इर्द गिर्द कायम की हुई है. तो इससे बहुत ज़्यादा बचत होती है लड़कियों की. मुझे हमेशा लड़कियों को ये बताने में बड़ा अच्छा फील होता है क्योंकि मैंने अपने घर में एक चीज़ सीखी है कि अपनी इज्जत खुद करो, अपनी रिस्पेक्ट खुद करो, कोई दूसरा तुम्हारी रिस्पेक्ट बाद में करेगा, तुम पहले अपनी रिस्पेक्ट करो. तो मैं हर लड़की को यही बोलती हूँ कि आप पहले अपनी रिस्पेक्ट खुद करें. और ये कलर चेक करें, पिंक पिंक कलर, क्या जालिम. और ये पैलेट थोड़ा मुझे रेड और पर्पल का कॉम्बो लगी है तो मैंने इसे फ़ौरन लिया क्योंकि ये दोनों कलर मेरी तो कमज़ोरी हैं. और रेड इसका थोड़ा सा मुझे हल्का लगे, रेड नहीं है ये ब्राउनिश, लाइट ब्राउनिश रेड, इस तरह का रेड है. तो भाई जिसने भी मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे और अच्छे अच्छे कॉमेंट करके मुझे बताए. और आप लोग यार लाइक क्यों नहीं करते मेरी वीडियो को, मतलब यार बहन का आपसे फड्डा होने वाला है. मतलब यार कर लिया करो ना लाइक. अब मैंने सोच लिया है कि हर वीडियो में आपको मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि लाइक किया है या नहीं किया मेरी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया. मतलब मेरे पास वो ऑडियंस इतनी ज़्यादा है लेकिन वो ऑडियंस है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करती. ऐम ही आप लोग वॉच किए जा रहे हो तो ये तो गलत है ना यार. और ये पर्पल चेक करो यार, मैट पर्पल है ये. मतलब दिल हार बैठी थी मैं इस कलर के ऊपर, मुझे बहुत अच्छा लगा. और ये थोड़ा लाइट ब्राउन है और ये दो तीन दफ़ा अप्लाई करने के बाद ये कलर आया था क्योंकि शायद मेरे हाथ बिल्कुल डल हुए हैं. यूनिवर्सिटी जाने का ना यही प्रॉब्लम है, आपके हाथ पैर सबसे पहले काले होते हैं, चेहरा तो फिर भी बच जाता है लेकिन हाथ नहीं बच पाते. तो ये बड़े मज़े का, ये मैं आपको दिखा रही हूँ इधर लगा के, और बड़े मज़े का कलर है. और खाली आप ये कलर लगा लें और काजल लगा लें आँखों में, ओए होए, बस इतना ही काफ़ी है, बाकी मेकअप गया. मेकअप बॉक्स के अंदर. आप क्या समझे मैं कुछ और बोलने वाली हूँ, हरगिज़ नहीं. मेकअप मैं बहुत प्यार से रखती हूँ, बहुत एहतियात से रखती हूँ क्योंकि मुझे मेकअप बहुत अजीज है. वैसे भी मम्मा से एक बात मुझे हमेशा सुनने को मिलती है और बचपन से हम लोग इस बात को फॉलो भी कर रहे हैं कि आप जो चीज़ें एहतियात से रखते हैं ना, एंड ऑफ द डे वो चीज़ आपके बहुत काम आती है. तो मैं
जो मुझे अभी यूज़ भी नहीं करना है ना, वो चीज़ भी मैं बहुत एहतियात से रखती हूँ। तो ये हमारी मम्मा ने ना हर किसी बहन को ये बात डिटेल से समझाई हुई है, और हर लड़की की मम्मा मुझे लगता है ऐसी ब्रीफिंग देती होंगी कि भाई आने वाला वक्त कैसा है, आपके पास अगर कुछ आप खरीद रहे हो, कुछ ले रहे हो, तो उसे संभाल के रखो, उसे ज़ाया ना करो और उसकी कदर करो ख़ास तौर पे। तो मैं बहुत ज़्यादा कदर करती हूँ अपनी छोटी से छोटी चीज़ की, बहुत वैल्यू करती हूँ। और ये देखें पैलेट, ओ माय गॉड, जब मैं ये सारी चीज़ें ले रही थी ना, तो मेरी सिस्टर ने मुझे ये पैलेट निकाल के दिया, उसने कहा कि तुम ये लिए बगैर कैसे जा सकती हो। मतलब मेरी नज़र ही नहीं गई थी इस पैलेट के ऊपर, और क्या पैलेट है गाइस, इसके कलर आप चेक करें, ओ माय गॉड, ये है वो पैलेट जिसके अंदर रेड है, और रेड भी दो तरह का रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, मतलब म्यूट कलर भी है और इसके अंदर ग्लॉसी कलर भी है। तो बहुत ज़बरदस्त पैलेट है, मतलब मैं दिल जिगर फेफड़ा गुर्दा सब हार गई थी इस पैलेट पे। और बहुत खूबसूरत पैलेट है ये, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और मैंने कहा ऐसे पैलेट तो बैग में मेरे होने ही चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे पैलेट अगर आपके बैग में होना, तो फिर आपकी ज़िंदगी काफ़ी कन्वीनियंट हो जाती है। कभी कभी दिल चाहता है शॉक कलर लगाने को ना, वैसे मैं म्यूट कलर ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जाना होता है तो इतना मेकअप तो करना ही नहीं होता है। लेकिन जैसे ईद आती है, और अभी जैसे आगे ईद आएगी, और भी बहुत सारे डेज आते हैं, कोई बर्थडे का सीन है, तो फिर आप ये शॉक कलर एक दिन अपने आप को हैप्पी कर लें तो कोई बुराई नहीं है। और मुझे लगता है ज़िंदगी में हर कलर की अपनी वैल्यू है। मुझे ये येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने अपनी सिस्टर को कहा हुआ था कि मुझे ऐसी पैलेट ज़रूर बताना जिसके अंदर डार्क येलो हो, कुछ येलो हो, पता नहीं क्यों मुझे ये कलर बहुत फैसिनेट करता है। तो ये पैलेट है जनाब, अब बोलें आप, हारते हैं ना अपना दिल जिगर गुर्दा फेफड़ा। या सिर्फ मैं ही वेली हूँ? नहीं, हर लड़की का यकीनन इसके ऊपर दिल आया होगा, जिगर आया होगा, और गुर्दा फेफड़ा अगर आप रख भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और असल होता है दिल और जिगर, दिल आ जाता है, जिगर फिर आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आपने इतनी महंगी महंगी पैलेट लेनी है। वैसे मैंने आपके साथ डिस्कस ही नहीं किया यार, मैंने ये पैलेट ली कितने की थी। चले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ये अब मैं फ्लोर मार्क की आपको लिप पेंसिल दिखा रही हूँ, और मैं एंड में शेयर कर दूंगी। अभी ये मैं फ्लोर मार्क की लिप कलर आपको दिखा रही हूँ, लिपस्टिक है ये, मैट है, मैट कलर लिपस्टिक है, और क्या ही ज़बरदस्त, मतलब मैं फ़िदा हो गई हूँ इसके ऊपर गाइस। मतलब मेरे ये कलर जो है वो ख़त्म हो चुका था, और मुझे चाहिए था, बस चाहिए था, मैं यूनिवर्सिटी यही कलर लगा के जाती हूँ, और पता नहीं मुझे क्या हुआ हुआ है कि मैं ऑब्सेस हुई हूँ उस कलर के पीछे। और आप इसका कलर चेक कीजिएगा, ओह माय गॉड, क्या कलर है गाइस, सच में ब्राउनिश कलर है, और बहुत ज़्यादा ब्राउनिश, मतलब खिलता हुआ ब्राउन जो होता है वो कलर है, बहुत डार्क ब्राउन नहीं है, खिलता हुआ ब्राउन जो है। आप इसकी आउटलाइन लगाएं, आप इसके अंदर म्यूट कलर कोई ऐड कर दें, तो क्या खूबसूरत कलर आता है चेहरे के ऊपर। मतलब मैं बस फिदा हूँ आजकल इस कलर के ऊपर, और क्यों हूँ यह मुझे खुद नहीं पता। और यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियों के लिए बेहतरीन चॉइस है। और आप किसी भी एक्ट्रेस को देखें तो उसने ज़्यादातर यही कलर यूज़ किया हुआ होता है, और आम लड़कियों को ये कलर ही समझ में नहीं आते हैं, वो पिंक के पीछे भाग रही होती हैं, ऑरेंज के पीछे भाग रही होती हैं। तो मेरी बहनों, ज़रा पिंक और ऑरेंज को भी थोड़ा साइड पे करो, ज़्यादा साइड पे नहीं करो, थोड़ा सा साइड पे करो, क्योंकि हम एशियन पिंक और ऑरेंज के बगैर रह नहीं सकते हैं। और ये देखें, ये भी उसी कलर का वर्जन है, लेकिन ये थोड़ा सा ऑरेंज टोन में है, ये ब्राउनिश ऑरेंज है। तो ये आप देख लें फ्लोर मार्क का, और इसका नंबर है, मुझे अभी नज़र ही नहीं आ रहा, हाँ अब नज़र आया है, कैमरा अजीब गरीब हुआ हुआ था, 403। तो ये नंबर है इसका, आप नंबर देख लें, और पता नहीं मैंने उसका नंबर आपको बताया या नहीं बताया, चले मैं आगे बता देती हूँ आपको। तो ये कलर आप चेक करें ज़रा, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों के अंदर, पर ये थोड़ा सा ऑरेंज टोन में जा रहा है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, और ये थोड़ा सा लाइट ऑरेंज टोन में है, ये भी ब्राउन है लेकिन ये ऑरेंज टोन में है। तो बस यही डिफरेंट है दोनों का, और ये कलर आजकल हर लड़की, जो समझदार लड़कियां, वो कम से कम ये कलर ज़रूर अप्लाई कर रही हैं। और नहीं यार, जो नहीं अप्लाई कर रही, इसका मतलब नहीं कि वो समझदार नहीं है, मतलब
डिफरेंट करना चाहिए, थोड़े म्यूट कलर के ऊपर भी आना चाहिए। और ये मैं डार्क लेकर आई हूँ, मैट रेड। ओ माई गॉड, मतलब इसका कलर देख के तो मैं थोड़ी सी वो हो गई थी कि बस मुझे यही चाहिए। मेरे पास रेड और भी हैं और मैट के अंदर है लिप ग्लोस, लेकिन मुझे इस पे जो है ना, बस मैंने कहा ये डन होना चाहिए, क्योंकि ये खिलता हुआ रेड है और थोड़ा डार्किश भी है। और इसको थोड़ा सा लाइट करके अगर आप लगाएं तो आप लाइट भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैं अप्लाई करूँगी। मतलब मैंने बताया ना आपको कि जब आप ऐसे फीके फीके कलर लगा के जब बोर हो जाए ना, तो फिर ये शॉक कलर फिर आपको एनर्जी देते हैं। और फिर कुछ ऐसा इवेंट हो जहाँ आपने कुछ ज़्यादा ही शॉक होना है, तो फिर आप हो सकते हैं। तो ये सारे काम मैं अपने करके रखती हूँ। मतलब मेकअप मुझे म्यूड भी पसंद है, मुझे डार्क मेकअप भी पसंद है, मुझे सारे मेकअप पसंद है, मुझे मेकअप की हर टोन पसंद है। और ये मैं लेकर आई हूँ, और इसके पीछे तो बस आप छोड़ ही दें, मतलब ये वही कलर है। अब आप मुझे देखें, एक ही कलर के मैं तीन टोन लेकर आई हूँ। मतलब ये मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा, ये न्यू लिपस्टिक कोई लॉन्च हुई है, और मुझे नहीं समझ में आया कि इतनी कन्वीनियंट उन्होंने लॉन्च कर दिया। बस आप इसका कैप यूँ करें और इसे अप्लाई करें, ओ माई गॉड, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लिपस्टिक इसे कहना चाहिए, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी है, या ऑफिस गोइंग लड़कियों के लिए। और ये देखें, इसमें थोड़ा सा पिंकिश ऑरेंज मिक्स है, और ये ब्राउनिश टच ही है, और आप इसका देख पिंकी टच देख लें इसका, आप वो ऑरेंज पे जा रहा है, ये पिंकी पे जा रहा है, मतलब काफ़ी सिमिलर है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। और इसका मैट है ये, और मुझे इसका कलर सच में, मेरे पास ये पहले भी है और वो ख़त्म हो चुकी है, तो इसलिए मैं नई लेकर आई हूँ। और बहुत अच्छी लगी है मुझे ये, और प्राइस भी इसकी बहुत रीज़नेबल है। और इसकी प्राइस कितनी थी, इसकी प्राइस थी 1600 रुपये। ये 1600 रुपये की है, और बहुत प्यारा कलर है, और ये आप हमेशा अपने बैग में रखें, आपको किसी भी लिपस्टिक की फिर ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल पेंसिल की तरह लगती है, बहुत प्यारी बनी हुई है। और ये लिपस्टिक है, बहुत ज़बरदस्त लिपस्टिक है, और इसका मैट कलर है ये। और इसका नंबर शायद मुझे नहीं पता, आप अगर किसी शॉप पर जाएंगे तो आप अगर इस तरह की चीज़ मांगेंगे तो हो सकता है वो आपको निकाल के दिखा दें। तो जो फ्लोर मार्क की लिप पेंसिल्स हैं, वो मैंने जो ली हैं, वो मैंने ली हैं 350 की ईच। और जो मैट रेड मैंने लिप ग्लोस लिया है, वो मैंने लिया है 1200 रुपीज़ का। और ये जो मैंने ब्लश लिया है, वो ब्लश की मैं पैलेट आपको बता रही हूँ, ये मैंने ली है 1100 रुपये की पैलेट। और ये जो मैंने बिल्कुल पर्पल वाली पैलेट ली है, छोटी सी पैलेट, जो सबसे ज़्यादा छोटी पैलेट है, वो मैंने ली है 900 की। और ये जो गोल्डन पैलेट है, ये मैंने ली है 1600 की। तो ये सारी पैलेट की प्राइस मैंने आपको मेंशन कर दी है। तो मेरे चैनल को, महा खान चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। मैं मिलूंगी कल, अल्लाह हाफिज़ गाइस।